कांग्रेस इन दिनों खूब लड़ रही है, भाजपा की निरंतर नज़र उन पर टिकी हुई है और कांग्रेस की जो अपनी लड़ाई है उसको वे धूमल महिमा का नाम दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस हतोत्साहित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है उसका मनोबल गिरा हुआ है, लेकिन भाजपा निश्चित रूप से इस चीज़ का फायदा लोकसभा चुनावों में उठाएगी। और ये जो कांग्रेस की अपनी लड़ाई है जिसको वो धूमल कभी एक गुट और कभी दूसरा गुट धूमल के साथ साठगांठ के आरोप एक दूसरे के साथ लगा रहे हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है कि धूमल साहब का कितना डर इन लोगों के तन मन में बैठा हुआ है। तभी आए दिन एक दूसरे के ऊपर धूमल का नाम लेके उनसे साठगांठ के आरोप लगाते रहते हैं। निश्चित तौर से लोकसभा चुनावों में ये जो कांग्रेस के दो धड़ों की लड़ाई लगी है और ये एक दूसरे के ऊपर धूमल परिवार से साठगांठ के आरोप लगा रहे हैं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो उससे बड़ा हुआ उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लोकसभा चुनावों में लोगों के पास केंद्र की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की जो पिछले एक वर्ष का जनहित कल्याणकारी का जो काम है रहा है उसको लेके भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। तो निश्चित रूप से भाजपा आगे है और लोकसभा चुनावों की तैयारियों की दृष्टि से भी भाजपा आगे है और जो केंद्र और प्रदेश सरकार ने लोगों के हितों के काम किए हैं उसके बलबूते पर निश्चित तौर पर भाजपा लोकसभा चुनाव जीतेगी।